Today in this video, I will tell you about the differences between content writing job, freelance content writing and content writing business. Content writing is a high in demand skill. आजकल हर रोज कितने सारे नए बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं और हर बिजनेस को प्रमोट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग इज द ओनली वे आउट और डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट इज द किंग. डिजिटल मार्केटिंग के लिए उनको कंटेंट बहुत ज्यादा चाहिए, इसलिए कंटेंट राइटर्स की डिमांड कभी खत्म नहीं होगी. आजकल मार्केट में तुम्हें तीन तरीके के कंटेंट राइटर्स मिलेंगे. एक रेगुलर कंटेंट राइटिंग जॉब वाले राइटर्स, सेकंड फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स और थर्ड कंटेंट राइटिंग बिजनेस. आज के इस वीडियो में मैं इन तीनों कंटेंट राइटिंग जॉब्स के बारे में इन डिटेल बताऊंगी तीनों में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं, तीनों में तुम कितनी अर्निंग्स कर सकते हो और किसको क्या स्टार्ट करना चाहिए, यानी कि बिगनर्स को क्या करना चाहिए, इंटरमीडिएट को क्या करना चाहिए और एडवांस को क्या करना चाहिए. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर दैट कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल इफ यू वॉन्ट टू लर्न एनीथिंग रिलेटेड टू कॉन्टेंट, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग एंड अदर वर्क फ्रॉम होम जॉब्स. First, I want to start by telling you the basic difference between the three. Content writing job is like a normal, regular job. जहाँ पे तुम्हें ऑफिस जाना होगा, 9 to 5 वर्क करना होगा, तुम एक कंपनी के लिए वर्क करोगे. ऑफिस जाने के बाद जो तुम्हारा मैनेजर होगा वो तुम्हें कुछ आर्टिकल या राइटअप लिखने को बोलेगा और तुम्हें डेली बेसिस पे ऑफिस जाके आर्टिकल या राइटअप लिखने होंगे. इसमें तुम्हारी एक फिक्स्ड इनकम होगी और तुम्हें स्टडी इनकम एक हर मंथ मिलेगी. अगर हम बात करें फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग में की, तो तुम एक कंपनी क्या, एक क्लाइंट क्या, काफी सारे कंपनीज या काफी सारी क्लाइंट्स के लिए फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग कर सकते हो. इसमें तुम्हारे अगर हाई पेइंग क्लाइंट्स मिल गए कभी तो तुम्हारी इनकम स्केल काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और कभी नहीं मिले तो तुम्हारी इनकम स्केल कम हो जाएगी. सो तुम्हारा जो इनकम है यहाँ पे स्टडी नहीं होता, वो हर मंथ चेंज हो सकता है. इसके अलावा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यू आर योर ओन बॉस. जितना टाइम मिले तुम्हें, जितनी तुम्हारे पास फ्री टाइम हो उतना तुम वर्क ले सकते हो और उतनी ज़्यादा अपनी अर्निंग्स को अपस्केल कर सकते हो. बट द ओनली डिसएडवांटेज इज टू फाइंड क्लाइंट्स, उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है. उसके अलावा इसमें कोई पर्क्स नहीं होते, जैसे तुम्हें कोई PF नहीं मिलेगा और तुम्हारी कोई सोशल ऑफिस लाइफ नहीं होगी. और लास्ट हमारा आता है कंटेंट राइटिंग बिजनेस. इट इज़ लाइक अ स्मॉल बिजनेस और स्मॉल एजेंसी. तुम अपनी खुद की कंटेंट राइटिंग एजेंसी खोलोगे, अपने अंडर कुछ राइटर्स को हायर करोगे. राइटर्स को हायर करने के बाद तुम काफ़ी सारी कंपनीज और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज से बल्क वर्क लोगे. अब उन जो तुमने बल्क वर्क लिया है उनको तुम्हें अपने जो तुम्हारे राइटर्स हैं उनसे करवाना है. इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसमें कमीशन रेट काफ़ी हाई होता है. इसके अलावा इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि तुम्हें रेगुलरली बल्क वर्क चाहिए होगा बड़ी बड़ी कंपनी से, तभी तुम अपने जो टीम है तुम्हारे एम्प्लॉयज़ की उनको पे कर पाओगे. इसके अलावा आजकल काफ़ी सारे जो फ्रीलांस कंटेंट राइटर होते हैं वो बिना कंपनी रजिस्टर करे हुए स्मॉल कंटेंट राइटिंग एजेंसी या बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं. पर उसमें इश्यू ये होता है कि उनको बड़े बड़े बिग प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, छोटी कंपनीज उनको हायर करके अपने कंटेंट रिक्वायरमेंट पूरी करवाती है. नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे. अगर हम कंटेंट राइटिंग जॉब्स की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर कंटेंट राइटिंग जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो ग्रेजुएट्स को प्रेफर करती हैं. वो चाहती हैं कि वो स्टूडेंट्स अप्लाई करें जो कि BA इंग्लिश में हो या बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन या बैचलर्स इन जर्नलिज्म. उन सारे स्टूडेंट्स को हमेशा प्रेफरेंस दिया जाता है. सेम वे अगर हम फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग की बात करें तो यहाँ पर एज सच कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, बस तुम्हें अच्छे से लिखना आना चाहिए और तुम्हारी रिसर्च स्किल अच्छी होनी चाहिए. और अगर हम बात करें कंटेंट राइटिंग बिजनेस की तो ऑब्वियसली तुम्हें यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि बिजनेस को कैसे रन करते हैं. तो अगर तुम MBA होगे तो तुम्हारे लिए काफ़ी ईजी होगा. इसके अलावा तुम्हें कंटेंट राइटिंग का इनसाइड आउट पता होना चाहिए. तुम्हें पता होना चाहिए कि हाई पेइंग क्लाइंट कैसे लेते हैं, कंपनी से बल्क वर्क कैसे लिया जाता है, किन किन इंडस्ट्रीज को अप्रोच करना है. और इसके अलावा तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि राइटिंग कराते टाइम क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं. अब जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो हमारा अर्निंग्स पे बेस्ड है. अगर हम कंटेंट राइटिंग जॉब्स की बात करें तो जितनी भी ये जॉब्स होती हैं वो बिगनर को अराउंड 15,000 to 20,000 के बीच में पे करती हैं. अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो उनको ये 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में पे करती हैं. और अगर हम एडवांस्ड की बात करें तो ज़्यादातर जितने भी सीनियर कंटेंट राइटर्स होते हैं या कंटेंट एडिटर्स होते हैं उनका पे आउट 45,000 से 70,000 के बीच में होता है. बट दिस अगेन डिपेंड्स कि तुम कौन से इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हो.
सो अगर हम फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग की बात करें तो इसमें इनकम तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करेगी। अगर तुम ज़्यादा टाइम देते हो, डेली बल्क वर्क लेते हो, डेली 8-10 घंटा काम करते हो, तो तुम्हारी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। बट फिर भी अगर मैं एक रफ फिगर बताऊं, तो जितने भी बिगनर्स होंगे उनको 5,000 से 10,000 के बीच में ही क्लाइंट्स मिलते हैं। सेम वे जितने भी इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स होते हैं, उनकी अर्निंग्स 25,000 से 1,00,000 या उससे ज़्यादा भी पहुंच जाती है, डिपेंडिंग कि उनका राइटिंग स्किल कितना अच्छा है, उनको कितने अच्छे क्लाइंट्स मिल रहे हैं और वो कितना टाइम दे रहे हैं। अब हमारा लास्ट आता है कॉन्टेंट राइटिंग बिजनेस। दिस इज हाईली प्रॉफिटेबल। इसमें नेट प्रॉफिट 3 से 5 लाख का मिनिमम होता है, बट प्रोवाइडेड तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें इंडस्ट्री से वर्क कैसे उठाना है, वो तुम्हें टैक्टिक्स पता होना चाहिए कि कैसे तुम इंटरनेशनल क्लाइंट से बल्क वर्क उठाओगे और उनको उनके राइट अप्स करके दोगे। सो कॉन्टेंट राइटिंग बिजनेस इज हाईली प्रॉफिटेबल, बट यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तुम्हें 3-4 साल तो लग जाएंगे ही अगर तुम्हें सही से सारी चीज़ें सीखनी है। लास्ट इज हु शुड चूज वॉट। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर थॉट प्रोसेस एंड योर नीड। सपोज इफ यू आर समबडी हु वॉन्ट्स अ जॉब टू फुलफिल देयर फाइनेंशियल नीड्स, तुम्हारी जो जॉब से इनकम आएगी, तुम्हें अपना रेंट देना है, उसी से तुम्हारा ब्रेड और बटर आएगा। इस केस में आई वुड हाईली रिकमेंड तुम कॉन्टेंट राइटिंग जॉब को चूज करो, स्पेशली बिगनर्स के लिए या इंटरमीडिएट लेवल कॉन्टेंट राइटर्स के लिए भी, क्योंकि तुम्हें कंटेंट राइटिंग जॉब में स्किल सीख जाएगा, तुम्हें एक स्टडी इनकम मिलेगी और तुम्हें साथ साथ ये मार्केट कैसे वर्क करता है वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा जब तुम 2-3 महीने में सब कुछ सीख जाना, तो तुम अपने फ्री टाइम में, वीकेंड में फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग साथ साथ स्टार्ट कर देना अपनी जॉब के साथ। इसके बाद जब तुम्हें फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग में सब कुछ समझ में आ जाए, तुम्हें 3-4 अच्छे क्लाइंट्स मिलने लगे, और जब तुम्हारी फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग की इनकम और जो कंटेंट राइटिंग जॉब की इनकम है ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए, तुम्हें सारी चीज़ें पता चल जाए, देन यू कैन लीव द कंटेंट राइटिंग जॉब एंड यू कैन वर्क एज अ परमानेंट फ्रीलांस कंटेंट राइटर। सो इन शॉर्ट मैं बिगनर्स को सजेस्ट करूंगी, अगर वो घर से बाहर जा सकते हैं देन दे शुड स्टार्ट विथ कॉन्टेंट राइटिंग जॉब, क्योंकि कॉन्टेंट राइटिंग जॉब में तुम्हें तुम्हारी कंपनी वाले सब कुछ सिखा देते हैं, वो तुम्हें स्किल सेट सिखाते हैं, वो तुम्हें एक अच्छा एक्सपोजर देते हैं, इसके अलावा तुम्हें एक्सपीरियंस भी मिलता है बिना कोई पेड कोर्स करे या बिना किसी अकेडमी को ज्वाइन करें। तो इफ़ यू कैन गो विथ अ कॉन्टेंट राइटिंग जॉब स्पेशली फॉर अ बिगनर। अब अगर हम बात करें इंटरमीडिएट लेवल कंटेंट राइटर्स की, सो फॉर देम आई वुड नॉट सजेस्ट कंटेंट राइटिंग जॉब्स, क्योंकि जितना सैलरी उन्हें कंटेंट राइटिंग जॉब्स में मिलेगा वो उस सेम लेवल का या इनफैक्ट उससे ज़्यादा वो फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग करके अर्न कर सकते हैं। बट उन्हें ये ध्यान देना है कि उन्हें हाई पेइंग क्लाइंट्स ही ढूंढने होंगे। इसके लिए आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो कि हाउ टू पिच टू गेट हाई पेइंग क्लाइंट्स, उस वीडियो का लिंक मैं तुम्हें यहाँ आई बटन में दे दूंगी। इसके अलावा जितने भी इंटरमीडिएट लेवल के कॉन्टेंट राइटर्स होते हैं, उनको ये भी कोशिश करनी है कि जितने भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनको डेली बेसिस पे अप्रोच करें, कम से कम 3-4 इंटरनेशनल क्लाइंट्स या कंपनीज को तो वो पिच करें ही करें। इसके अलावा आई वुड ऑल्सो सजेस्ट वन मोर थिंग, कोशिश करो कि US जो मार्केट है उसको टारगेट ना करो, क्योंकि US मार्केट में नेटिव राइटर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन टारगेट दुबई, UAE, इजिप्ट, अफ्रीका, अफगानिस्तान काइंड ऑफ मार्केट। यहाँ पे तुम्हें हाई पेइंग क्लाइंट्स भी मिलेंगे और साथ साथ तुम्हें प्रेफरेंस मिलेगा। इनको एज सच नेटिव राइटर्स की जरूरत नहीं होती, दे जस्ट ओनली वॉन्ट एक्सपीरियंस्ड कॉन्टेंट राइटर्स। अब लास्ट आते हैं हमारे एडवांस्ड कॉन्टेंट राइटर्स। I assume कि अगर तुम एक advanced content writer हो तो you know about the content writing industry, you know how to get national and international clients, इसके अलावा you know about different niche, उसके अलावा you also know how to approach and which industry to approach for content writing requirements. अब this is the time जब तुम्हें freelance content writing से business की तरफ move करना है, तुम्हें सब कुछ पता है, अब तुम्हें क्या करना है, अपनी एक small scale content writing agency start करनी है। Prefer starting virtually, मुश्किल से 5,000 से 8,000 का तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना होगा अपनी कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए। उसके बाद यू कैन स्टार्ट वर्चुअली, अपनी टीम ऑफ राइटर्स हायर करो, बाहर से वर्क उठाओ और राइटर्स से कराओ। और जब तुम धीरे धीरे इस स्किल को सीख जाना, इससे तुम्हें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने लगे, देन यू कैन ऑलवेज एक्सपैंड योर कंपनी, यू कैन शिफ्ट इनटू अ बेटर ऑफिस। नाउ आई फील तुम्हें ये तीनों चीज़ों के डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे और तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि तुम्हें क्या स्टार्ट करना है, तुम्हारे लिए क्या चीज़ अच्छी होगी।
सो आई विल एंड द वीडियो नाउ. मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आऊँगी, वर्क फ्रॉम होम, कंटेंट, ब्लॉगिंग और फ्रीलांसिंग को रिलेटेड. टिल देन, हैप्पी लर्निंग, कीप एंजॉयिंग.